नमस्कार। विषय गणित कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.2। आज हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसके चार भाग हैं। इन चारों भागों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। दिए गए बहुपद में हमें दी गई चर के स्थान पर उसके दिए गए मान को रखकर बहुपद को हल करना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे प्रथम भाग है py बराबर y2 माइनस y प्लस 1। p0 के लिए हमें y के बराबर रखना होगा 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि y कहाँ है। ये देखिए, ये तीन जगह y है, इन तीनों के स्थान पर अब आ जाएगा 0, इसीलिए यहाँ पहले p0 लिखा गया है। अब जैसे ही 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 0। ये 0 को ऐसे के आगे ऐसे ही नीचे उतारेंगे और अगले 1 को भी ऐसे ही नीचे उतारेंगे, तो 0 माइनस 0 होता है 0, प्लस 1 होता है 1। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास P0 की वैल्यू आ गई है 1। आइए इसका दूसरा भाग देखें। P1 के लिए y बराबर होगा 1 के, तो जहां भी y है उसकी जगह पर अब हम डालेंगे 1। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर होगा 1, आगे है माइनस, आगे है 1, फिर है प्लस 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब P1 की वैल्यू आई है 1। इसी प्रकार से हम देखेंगे P2 के लिए y बराबर होगा 2 के, यानी कि जहां भी y है उसके स्थान पर हम लिख देंगे 2। उसके स्थान पर हम लिख देंगे 2, और देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, आगे है माइनस, उसके बाद है 2, आगे है प्लस 1। 4 माइनस 2 इज 2, प्लस 1 इज 3। इसका मतलब दिए गए बहुपद में P2 की वैल्यू आ गई है 3। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं, जो है PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। इसमें भी हम एक एक करके P0, P1, P2 हम निकालेंगे। सबसे पहले P0 के लिए T की वैल्यू हम डालेंगे 0। तो जहां भी T है, देखिए यहां तीन जगह पर T है, तीनों जगहों पर T के स्थान पर अब हम डालेंगे 0, तीनों पे 0 डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 2 को ऐसे का ऐसे ही नीचे उतारा, उसके बाद 0 को भी ऐसे ही नीचे उतारा, उसके बाद देखिए 0 का स्क्वायर होता है 0, 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, और उसके बाद 0 का जो क्यूब है वो भी होता है 0। तो बड़ी क्लियरली दिख रहा है कि 2 में कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हुआ, इसलिए P0 की वैल्यू होगी 2। आइए हम देखें P1 के लिए हमें T लेना होगा 1। तो जहां भी इस प्रश्न में T लिखा है, T के स्थान पर हम लिखेंगे अब 1। T के स्थान पर अब हम लिखेंगे 1। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 2 को ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, प्लस 1 को भी ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब आगे देखिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2, 2 1 द इज 2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 2। आगे है माइनस 1 का क्यूब, 1 का जो क्यूब होता है वो होता है 1, आगे माइनस का निशान था इसलिए इसके साथ माइनस। अभी आ गया 2, प्लस 1 3, प्लस 2 5, 5 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब P1 की वैल्यू आ गई है 4। अब हम देखते हैं P2 के लिए y बराबर होगा 2 के, तो जहां भी हमें t दिखाई देगा, t के स्थान पर अब हम इस बहुपद में लिखेंगे 2। अब हम इस बहुपद में लिखेंगे 2। तो आइए देखते हैं,
सबसे पहले 2 को ऐसे ही नीचे उतारेंगे, उसके बाद प्लस 2 है उसे भी ऐसे ही नीचे उतारेंगे, उसके बाद अगले में देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, साथ में प्लस का निशान। इसी प्रकार से आगे देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, तो माइनस का साथ में निशान है तो ये हो जाएगा -8। अब ये देखिए 2 प्लस 2 4, 8 में से 8 गया 0, तो 4 में कुछ भी प्लस नहीं किया, तो हमारे पास जो इसका उत्तर आएगा या मान आएगा वो आएगा 4, यानी कि दिए गए बहुपद में P2 का मान आया है 4। अब इसका हम एक चौथा भाग है हमारे पास Px बराबर ब्रैकेट x माइनस 1 और ब्रैकेट प्लस 1, इसे देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 वो बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, तो x का स्क्वेयर तो रहेगा x स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर हो जाएगा 1। अब इसका मतलब ये जो शुरू में px दिया था x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसके जगह पर अब हमारे पास px की वैल्यू आ गई है x स्क्वेयर माइनस 1। अब px बराबर x स्क्वेयर माइनस 1 के लिए आप पहले p0 फिर p1 और फिर p2 का मान स्वयं ज्ञात कीजिए। x स्क्वेयर की जगह पहले 0 स्क्वेयर, अगली बारी में 1 स्क्वेयर और अगली बारी में 2 स्क्वेयर निकाल कर उसको 1 उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो आपके पास p0 p1 और p2 की वैल्यूज आ जाएंगी। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको बहुपदों का मान निकालना अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल मैथ गेम्स एंड एक्टिविटीज बाय KMS को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।